संगीत सरिता संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हमारी श्रृंखला विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार। इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोतागण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक ऐसी महिला कंपोजर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ जिसने मीराबाई की तरह श्री कृष्ण जी को अपना वर चुन लिया था और अपना जीवन भगवान के गुणगान में बिताते हुए तमिल भाषा में अत्यंत सुंदर पद्यों की रचना की। इस कवयित्री का नाम था गोदा, लेकिन उसे आंडाल के नाम से ही लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की वैष्णव परंपरा में 12 संतों को आलवार या पूज्य संत कहते हैं, जिनमें एकमात्र महिला आंडाल हैं। कहा जाता है कि आंडाल स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी। आंडाल पाशुरम अर्थात गाने अत्यंत लोकप्रिय हैं और खास करके मार्गशीर्ष महीने में, जो दिसंबर जनवरी के बीच होता है, लोग आंडाल के 30 तिरुप्पावय रचनाओं को रोज सुबह गाते हैं। ये तिरुप्पावय गाने लगभग 1000 वर्ष पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी तमिलनाडु में मार्गशीर्ष के महीने में भजन गोष्ठी में लोग सूर्योदय से पहले तिरुप्पावय गाते हुए घर घर जाकर भक्ति भावना को सजाए रखते हैं। आंडाल के बारे में दिलचस्प कहानियां बहुत हैं। कहा जाता है कि आंडाल के पिता पेरी आलवार बगीचे से सुगंधित फूल इकट्ठा करके माला बनाते थे और श्री विल्लीपुत्तूर के विष्णु मंदिर में भगवान के गर्भगृह में सौंप देते थे। एक दिन उन्होंने एक तुलसी के पौधे के नीचे एक सुंदर बच्ची को पाया और बच्ची को घर ले जाकर उसे अपनी पुत्री के समान पालने लगे। इस बच्ची का नाम गोदा रखा गया। बचपन से ही गोदा अपने को विष्णु की पत्नी समझती थी और जब पेरियाड़वार माला तैयार करने के बाद नहाने जाते थे तो चुपचाप उनकी लड़की गोदा टोकरी से माला को उठाकर अपने गले में डाल लेती और दर्पण में अपनी शक्ल देखने के बाद फिर टोकरी में माला को रख देती थी। एक दिन मंदिर में पुजारी ने देखा कि पेरियाड़वार के बनाए हुए माला में एक बाल का टुकड़ा मिला। गुस्से में पुजारी ने माला भगवान को चढ़ाने से इनकार कर दिया। पेरियाड़वार चकित हो गए कि भला इतनी बड़ी गलती कैसी हुई। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि गोदा माला को पहले खुद पहनकर फिर भगवान के लिए रख देती है तो नाराज हुए, लेकिन उस दिन रात को उनके सपने में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले कि जिस माला को गोदा पहनकर उन्हें अर्पित करती है वही उन्हें ज्यादा पसंद है। इससे गोदा का नाम चूड़ी कुड़त नाचियार अर्थात खुद पहनकर माला सौंपने वाली बन गया। आज भी श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर में हर वर्ष भगवान विष्णु के विवाह समारोह के समय आंडाल के मंदिर से एक फूल माला भिजवाई जाती है। आंडाल 16 साल की थी जब उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे उसे श्रीरंगम ले जाएं और उसका विवाह भगवान रंगनाथ जी से करवाएं। श्रीरंगम के मंदिर में पहुंचते ही आंडाल मूर्ति के अंदर गायब हो गई। तिरुप्पावय की रचनाओं में आंडाल अपनी सहेलियों से कहती है कि हे सखी, तुम अब तक गहरी नींद में सोई हो, बस अब उठ जाओ और हम सब नदी में स्नान करके भगवान का गुणगान करें। इसमें गहरा अर्थ तो यह है कि सखियों के समान हमारी जीवात्मा भी सोई हुई है और उसे जगाकर
परमात्मा की ओर बढ़ाना है। अब आपको एक तुरुपावय सुना दूं। तो मने माड़त शुत्रो विलकरिय तो मने माड़त शुत्रो विलकरिय दोपम कमर तुलने मेल कर्वलरू तो मने माड़त शुत्रो विलकरिय दूपम कमर तुलने मेल कर्वलरू मामन मगने मणि कदवम ताल तिरवाय मामीर वलै एड़ुपेरो मगल तान ओमयो अन्रीच विटो अनंकलो येम पेरुल तुइल मंदिर पटालो मामायन माधव वैकुल तनल मामायन माधव वैकुल तनल नाम पलऊ नवीन रेलो रेम पवाय मामायन माधव वैकुल तनल नाम पलऊ नवीन रेलो रेम पवाय तो मणि माड़त आंडाल ने कुछ ऐसी भी रचनाएं बनाई जिनमें उसने भगवान विष्णु के साथ अपनी विवाह का वर्णन किया है। इस वारणमायिरम रचना को आज भी हर विवाह संस्कार के समय गाया जाता है। अब एक नमूना इस वारणमायिरम का भी सुना दूं। மத்தளம் கொட்ட பரிசங்கம் நில்லுத மத்தளம் கொட்ட பரிசங்கம் நில்லுத முத்துடை தாம் நிறை தாழ்ந்த பந்தர்கே மத்தளம் கொட்ட பரிசங்கம் நில்லுத முத்துடை தாம் நிறை தாழ்ந்த வந்தர்கே மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனல் வந்தனே மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனல் வந்தனே கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழினான் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனல் வந்தனே கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழினான் மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நிலுத முத்துடை தாம் நிறை தாழ்ந்த பந்தர்க்கு மத்தளம் கொட்ட इस गाने में आंडाल कहती है कि हे सखी मैंने ऐसा सपना देखा जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण मेरे हाथ पकड़े जब मृदंग बजा और एक सुंदर मोतियों से सजा हुआ मंडप के नीचे मेरा विवाह हुआ। अब सुनिए एमएल वसंत कुमारी का गाया हुआ एक लोकप्रिय तिरुपावई। माले मणिवन्ना मार्गले नीराडुवान् माले मणिवन्ना मार्गले नीराडु
வனங்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் மேலையாசி வனங்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞானத்தையல்ல நடுங்க முரல் வண பாலன வண்ணத்துள் பாஞ்சசன்யமே பாலன வண்ணத்துள் பாஞ்சசன்யமே போல்வன சங்கங்கள் போல்வன சங்கங்கள் போய்பாடுடையனவே போல்வன சங்கங்கள் போய்பாடுடையனவே சால பெரும் பறையே பல்லாண்டி செய்பாரே சால பெரும் பறையே பல்லாண்டி செய்பாரே போல விளக்க கொடியே விதானமே ஆளில் இலையாய் அருளேலோரம்பாவாய் ஆளில் இலையாய் அருளேலோரம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மாலே மணிவண்ணா. विभिन्न भाषाओं की महिला रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने तीसरी कड़ी सुनी. प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर शकुंतला नरसिम्हन. विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली. Para nada, para nada.